भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ ईस्ट सेल ने एक अच्छी पहल करते हुए नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को समझने, उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक व्याख्यान माला की शुरुआत की है, जिसका पहला सत्र सफल तरीके से आयोजित किया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी व्याख्यान माला में आए वक्ताओं के अनुभव और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं से रूबरू होंगे। भाजपा नॉर्थ ईस्ट सेल के राष्ट्रीय संयोजक सुनील देवधर, जो नॉर्थ ईस्ट की तमाम समस्याओं को लेकर पिछले 2 दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन में ही इस व्याख्यान माला की शुरुआत की गई। देवधर जी खुद महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जो कि इस बात का संदेश है कि भाजपा कभी एकता में अनेकता नहीं, बल्कि अनेकता में एकता पद्धति में विश्वास रखती है। जब मैं मुंबई में कॉलेजेस में पढ़ता था, जब मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब मेरे हाथ में एक मराठी पुस्तक पड़ा, एकाकी पूर्वांचल। पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे मन में विचार आया, जीवन में कभी अगर पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर कार्य करने का मौका मिले तो जरूर नॉर्थ ईस्ट में जाकर काम करना चाहिए। ये मेरे मन में सबसे पहला विचार यदि कभी आया हो तो वो मराठी पुस्तक एकाकी पूर्वांचल, इसको पढ़कर आया। देखिए परमेश्वर की क्या लीला है, जिसने अंग्रेजी भाषा बनाई। इस अंग्रेजी भाषा के अवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, अवर नॉर्थ ईस्ट का आप एब्रीविएशन कीजिए, पहला अक्षर निकालिए, ये वन होता है। अवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन इंडिया, इंडिया कैनॉट बी वन विदाउट अवर नॉर्थ ईस्ट, ये अपने आप में संदेश मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मजबूरी है आज लोगों की, उनको नॉर्थ ईस्ट छोड़ना पड़ रहा है। कोई माँ बाप वहां पर ये नहीं चाहेगा कि अपना बेटा या बेटी जो है उसको या तो अच्छी शिक्षा ना मिले, शिक्षा मिले भी तो रोजगार ना मिले, शिक्षा रोजगार नहीं मिले तो कोई आतंकवादी आकर उसको अपने समूह में शामिल कर ले, वो कुछ भी नहीं हो तो किसी ड्रग एडिक्शन का वो शिकार हो। और जब एक देश के अपने आप को मानते हैं, सारा देश अपना मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग नहीं है कोई बात नहीं है, मुंबई में भेजेंगे, दिल्ली में भेजेंगे, जबकि चीन जैसा खतरनाक दुश्मन हम तो कई वर्षों से बता रहे हैं, इसी मंच से बता रहे हैं, अलग अलग नेता बता रहे कि चीन से भारत को खतरा है। इस वर्ष चाइनीज एग्रेशन की 50वीं एनिवर्सरी है, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला किया था, आज इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। रॉ का 2 दिन पहले रिपोर्ट पेपर में मैंने कहीं पढ़ा कि फिर एक बार चाइना आक्रमण कर सकता है, ऐसी खबर आई है। तो ऐसी भयंकर परिस्थिति में चीन जब लुभाता है, खास करके अरुणाचल के कुछ हिस्से के लोगों को, कि आप तो चीनी लोग हो, देखो चेहरे आपके, आप तो इंडियंस नहीं हो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, भारत ने तो आपका शोषण ही शोषण किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप अपने आप को चीनी कहो। और इस सीढ़ी के आखिर में आपने देखा कि भारत का एकमात्र स्टेट जिसमें ग्रीटिंग वर्ड जय हिंद है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल के युवा चीन को बताते हैं हम चीनी नहीं है, और अगर कोई हमारे लिए सुविधाएं यहां भारत के नाते देश ने नहीं दी है कोई बात नहीं, सारा देश हमारा है, मुंबई में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, चीन को बताते हैं हम चीनी नहीं है, दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में अज्ञानवश यहां का समाज, जो पूरे भारत से आया हुआ समाज है, वो यहां का समाज जो है, जो नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानता, इन बच्चों को चीनी बोल देता है। चिनकी शब्द वहीं से आया है, मतलब एक अर्थ से मूर्खता हमारी, अज्ञान के कारण, और जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये टूटने के कगार पर पहुंच जाने की संभावना निर्माण होती है। ये रुकना चाहिए, इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि वो हिस्सा टूट जाएगा, इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अपने देश के अंदर अज्ञान के कारण किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं होना पड़ना चाहिए। तापिर गाओ जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनको विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता में पिछले वर्ष वो गए थे देखने के लिए कुछ लोगों को लेकर, पासपोर्ट और वीजा पूछा था ये सोचकर कि ये विदेशी व्यक्ति है।
दुनिया का सबसे बड़ा देश, इतना बड़ा देश, विशाल देश, और इसमें इतनी विविधता, राज्य करने वालों को समझ में आना चाहिए था कि इस विविधता के सामने समस्याएं खड़ी रह सकती है, समस्याओं को मिटाने के उपाय किए जा सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। कांग्रेस के कारण इस देश के, कांग्रेस के राज में नॉर्थ ईस्ट की समस्या को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और तो जब आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो उसको सॉल्व करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताने में आनंद होता है कि एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अत्यंत प्रामाणिकता से नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ सोचता ही नहीं है, मौका मिला तो हमने करके दिखाया। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का काम हमारे पार्टी ने किया है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाने का काम हमारे पार्टी ने किया है, जिसका सर्वाधिक लाभ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को मिल रहा है, और कई सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा काम जो आवश्यक था, देश भर में फैले हुई नॉर्थ ईस्ट की आबादी को एक पहचान दिलाना कि ये हिंदुस्तानी है, जितने हम हिंदुस्तानी है उतने वो भी हिंदुस्तानी है, ये काम नॉर्थ ईस्ट इंडिया संपर्क सेल कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात हो और नॉर्थ ईस्ट से आए वक्ताओं को इस व्याख्यान माला से ना जोड़ा जाए तो इसे व्याख्यान माला की असफलता ही माना जाएगा। लेकिन भाजपा के पूर्व सांसद तापीर गांव, जो अरुणाचल पश्चिम से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव इस व्याख्यान माला में शेयर किए, जिससे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े कई मसलों को आसानी से समझा जा सकता है। आज ये वन इंडिया, इसके आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी जो जितना हम कोशिश कर रहे हैं, ये तो तारीफ़ काबिल है। 1947 से लेके आज तक इसका इतिहास आपके सामने में है। सारा नॉर्थ ईस्ट पूरा देश के साथ नेशनल इंटीग्रेशन हो चुके हैं, और आपका सोशल इंटीग्रेशन कंप्लीट होना बाकी है, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, और आपका हिस्ट्रिकल, सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इतना काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ नॉर्थ ईस्ट से। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कांग्रेस में भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी में भी है, ये एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का कामयाबी है। आज नॉर्थ ईस्ट के सामने और देश के सामने नॉर्थ ईस्ट को जुड़ने के लिए हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल जो हमको जुड़ना चाहिए ये नहीं है। उसका उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ। जब मैं कक्षा एक से लेके एमए तक जब पढ़ा, हिंदुस्तान का सारा दुनिया का मैं इतिहास पढ़ा हूँ। 1, 2, 3 कला, कक्षा 1, 2, 3 में मैं केरला का फेस्टिवल, तमिलनाडु का फेस्टिवल, पंजाब का, राजस्थान का फेस्टिवल का सारा मैं याद करके रखता था। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देश भर मुगलों का गुलाम बन चुका था हिंदुस्तान, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा प्रदेश है, आहुम राज में एक कमांडर था लासित बोरफुकन, 17 टाइम्स ही डिफीटेड द मुगल आर्मी, एट द लास्ट फाइट नॉट इवन ए सिंगल सोल्जर ऑफ मुगल हैज बीन स्पेयर बाय लासित बोरफुकन। वो अपना रिलेटिव को भी मार डाला कि वहाँ दिला डाला था। ये इतिहास में स्कूलों का को करिकुलर एक्टिविटीज में हमको पढ़ने नहीं मिला देश भर में, इसी में हम थोड़ा बहुत हम बिसर चुके हैं। और फ्रीडम फाइटर जिसको जवाहरलाल नेहरू ने असम जेल से चुराया, रानी गाइदिलू, और ऐसे अरुणाचल से, नागा से, असम से इतना इतिहास जुड़ा हुआ है फ्रीडम मूवमेंट में, उसमें किसी हिस्ट्रिकल बुक में हमें दर्जा नहीं दिया गया। ये एक हमको बहुत पिसारा छोड़ दिया है, क्योंकि देश के लोग ये सोचते हैं पूर्वोत्तर राज्यों। आज मैं सुनील जी को यही रिक्वेस्ट किए थे,
आज के मीटिंग के बैकग्राउंड में पूर्वोत्तर राज्यों के नक्शा होना चाहिए, आज आपके सामने है। जब मैं लास्ट टाइम पार्लियामेंट में थे, अपना साथी कलीग्स आते थे, आप अरुणाचल से हैं, शिलोंग आपका कैपिटल है, मैं इसको कैसे समझाऊँ आज के युग में। इसलिए आज काल क्या हुआ उसको हमको देखना नहीं है। आज वन इंडिया जो कोशिश कर रहा है, आप सब बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित है, आपके सामने क्या है, हमको और कहाँ आगे ले जाना है, ये हमको चिंता करने की ज़रूरी है। आज मुझे भी कभी हैरान हो जाता है, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड से ही एडमिनिस्ट्रेशन को गहराई में देखना पड़ेगा। सोशल कल्चर्स, आज जैसे मैं अरुणाचल से हूँ, अरुणाचल में 27 ट्राइब्स है जिसका हम भाषा मिलता नहीं है, देयर वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट। आप यहाँ से जब देखेंगे अरुणाचल एक प्रदेश है, रहन सहन कल्चर अलग होगा, बिल्कुल अलग है। 27 मेजर ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश जिसका कोई रहन सहन उसका वो मिलता नहीं है। आपका नागालैंड में 18 ट्राइब्स है जिसका भाषा मिलता नहीं है, उसका कल्चर अलग है, सिस्टम कस्टमरी अलग है। मणिपुर में 30+ कम्युनिटीज है, मिजोरम में 15, मेघालय में 16, असम में 40+ कम्युनिटी है, त्रिपुरा में 21, सिक्किम में 6, 220 कम्युनिटीज आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। हम भी अपना इसको इंटीग्रेशन के लिए हम भी जुड़ लगा रहा हूँ अपना अब, लेकिन जुड़ने में इतना कठिनाई है, ये दिल्ली से संभव नहीं है। दैट्स वाई व्हाट आई मीन टू से इज द एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल कल्चरल अप्रोच जो है ये बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहरू से लेके अब तक कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को सरके, हमने सुनील जी ने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री अलग और वहाँ का सिस्टम नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फंड अलग एनडीए सरकार ने शुरू किया। स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस, 220 डिफरेंट ट्राइब्स इन 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसको आप कैसे यूनाइटेड करेंगे? स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आज जितना इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, 140 इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज पुलिस रिकॉर्ड में आज ऑफिशियल है, जो 140 इंसर्जेंसीज है, ये कैसे डेवलप हुआ? 1918 में नागा एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने एक नागा क्लब खुला था 1918 में, टू सॉर्ट आउट द नागा इश्यूज, नागा प्रॉब्लम्स, वहाँ का एथनिक इश्यूज को वो बनाने के लिए 1918 में नागा क्लब इनिशिएट हुआ। वो नागा क्लब से शुरू होते होते एनएनसी होते होते आस एनएसएन के आईएम ये होते होते द पावर हाउस ऑफ द इंसर्जेंसीज इन द नॉर्थ ईस्ट। 1947 में अगर उसी इश्यूज को सॉल्व किया होता, ये आज नॉर्थ ईस्ट में 140 अंडरग्राउंड नहीं होता। और दिल्ली से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम दिए गए गो एस यू लाइक होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपना से डेवलप करेंगे, अपना से वो करेंगे। कहीं ऐसे सड़के हैं, कहीं ऐसा बहुत से प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ ईस्ट में, पेपर में 2 मंजिल बिल्डिंग है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं देगा। सड़के हैं, ऑल कंस्ट्रक्शंस ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर इन पेपर, वहाँ कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये
केक का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, हमको फ्री छोड़ दिया और आज वहाँ कति नहीं है जैसे इनर लाइन पास। हम अपना कलीग्स एमपी कलीग्स भी कहते हैं कभी तपरी को तुम्हारा वहाँ जाने के लिए इनर लाइन पास चाहिए, नागालैंड में चाहिए, मिजोरम में चाहिए, आज मणिपुर डिमांड कर रहा है। दिस इज नॉट द क्रिएशंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। 1817 बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट उस जमाने से बना हुआ एक एक्ट है जिस एक्ट के कारण आपको आने में जाने में कहीं कति नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आज तक रखा है और आज ऐसा पॉलिटिकल स्थिति पहुंचे हैं कि हर स्टेट इनर लाइन पास डिमांड करना शुरू हो गए। तो इसलिए बहुत से ऐसे इश्यूज है जिसको हम चाहता है आज आपके सामने मैं यहाँ हूँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ हैं। आई फील प्राउड, कोई भी मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, किसी 5-star 3-star होटल में मैं जब भी जाता हूँ, आई प्रिफर चाइनीज रेस्टोरेंट, कोरियन रेस्टोरेंट्स। वहाँ के कहीं भी आप होटल में जाइए, कोरियन गर्ल्स, चाइनीज गर्ल, ताइवान गर्ल्स, वेरे सो हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट के लड़कियाँ हैं। कभी पूछिए आप कहाँ से, मणिपुर से। दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड, कॉन्फिडेंस इज देयर। लेकिन आज मैं ये ही एक बात कहने आया हूँ, जैसे मुझे देखते ही कोई पूछता है यू आर फ्रॉम नेपाल, यू आर फ्रॉम चाइना, ये पूछने का बजाय उसको हम रिवर्स करना पड़ेगा। हम जैसा चेहरा कोई आप बाजार में, ऑफिस में किसी को मिलते हैं, भले वो चाइना का भी हो या भले वो ताइवान जापान का भी हो, पहले हम उसे पूछें कि आप पूर्वोत्तर राज्य से आया है क्या। इसमें यही एक हमारा एक सोर्स है जिसको हम देशवासियों को हम कैसे समझाएं। आज आईपीएस में हम कमी नहीं है, आईएएस में कमी नहीं है, स्पोर्ट्स में हम हर साल हर कंपटीशन में नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से हम ज्यादा करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और वन स्टेप अहेड ले जाना होगा। इसको ले जाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट के लोग भी वन स्टेप अहेड आना पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ ब्लेमिंग, अरे चेन्नई में हमको ये हुआ, दिल्ली में हमको ये बोला, मुंबई में ये हमको बोला, ये बोलने के बजाय वी हैव टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम केवल सबके पीछे में खड़ा होने से नहीं होगा, हो सके तो सबसे आगे किसी क्यू में लगता है आगे आना चाहिए, किसी कंपटीशन में हो आगे निकलने का कोशिश करना चाहिए। तो हमारा इनर जो फीलिंग जो अंदर में जो है उसको भी हम नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्सपोज करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल इंडिया से जितना भी हमारा इंटरेक्शंस होता है ऐसे स्थिति पैदा करना चाहिए। बाजार में भी मैं कभी भी जाता हूँ, अभी भी मैं याद है कनॉट प्लेस का बाटा का शोरूम, मैं वहाँ जाके बोला भाई साहब मुझे सैंडल चप्पल खरीदना है। इन्होंने बोला वाह 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 इतना अच्छा हिंदी आप बोलते। मैंने बोला मैं हिंदुस्तानी हूँ। वाह वाह बोल के हमको पीठ पीता वो या पीठ में तप तपा रहा है वो बाटा ये शू में शोरूम में। आपको कितना साल हुआ? मैंने बोला जन्म ही यहाँ। तो इन्होंने मुझे कॉपी चाय मंगाया, तो मैंने बोला चाय कॉपी छोड़ दीजिए मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो लेकिन अब तो हिंदी मैंने अच्छा से बोल रहा है, तो मैंने इतना अच्छा सही हिंदी नहीं है लेकिन हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, मैं हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा। तो बाद में वो हैरान हो गया, अरुणाचल का है, तो अरुणाचल भी उसको पता नहीं था। तो एक्सप्लेन करने के बजाय वी हैव टू शो परफॉर्मेंस।
आप स्टूडेंट जो लोग यहाँ आए हैं, कॉलेजों में स्कूलों में जो डिबेट है उसमें जरूर भाग लेना चाहिए। स्पोर्ट्स में, राजनीति में तो हम लोग है ही, कांग्रेस में भी बहुत लोग है नॉर्थ ईस्ट के चेहरे पे। वी हैव क्रिएट द नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वी हैव टू मेक इट मोर इफोर्ट्स, सोशली, कल्चरली, एंथ्रोपोलॉजिकली हम लोग को और ज़्यादा जुड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए एनसीईआरटी में नॉर्थ ईस्ट के, अगर राजस्थान में राजा था, मध्य प्रदेश में राजा था, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कमी था। 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ जुड़ा मणिपुर का राजा और त्रिपुरा का राजा, उसका बिल्डिंग है राजमहल है अभी भी, लेकिन हमारा इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी उसको उल्लेख नहीं किया गया। सो दैट द यंगर जनरेशन रीड अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, कहीं हमको कमी महसूस हो रहा। तो इसलिए वन इंडिया कोशिश करेंगे हम, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और बुद्धिजीवियों से आज उपस्थित आप सबको भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, न्यूज़पेपर में लिखिए मणिपुर राजा के बारे में। त्रिपुरा का राजमहल अभी टूरिस्ट लॉज बनाया गया, उसका बारे में लासित बोरफुकन हु डिपीटेड 17 टाइम्स टू द मुगल सोल्जर्स, उसका इतिहास में अकबरों में लिखिए। और रानी गाइडिल्यू जिसको ब्रिटिशर्स ने फांसी देने के लिए जोरहाट जेल में रखा था, जिसको नेहरू ने रिलीज करवाया था, उसका बारे में लिखिए। नागा वॉरियर का बारे में लिखिए, सो दैट द रेस ऑफ द इंडियन चिल्ड्रंस रीड द स्टोरीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो दैट हम करा होके अंकुल नमस्कार, हाँ अंकुल कहाँ से, साइना से, उसके बजाय हाँ अंकुल अरुणाचल के किस ट्राइब के हो आप, ये पूछने वाला हमको सही है। मुंबई में अगर मैं जाता है कोई मराठी फैमिली में, मुझे ये पूछना चाहिए सही है कि पूर्व उत्तर राज्यों से आप किस प्रदेश से है। अगर मणिपुर बोलता है तो हमको ये पूछना चाहिए, अंकुल आप तांकुल है, मेतेई है, रोंगमाई है, जिलांगरोंग है, क्या है। मणिपुर का बारे बच्चे जानना सही है महाराष्ट्र में। केरला में हम जाता है तो हमको जानना सही है नागा का आप कौन सा ट्राइब्स है, आओ है या सेमा है, आंगामी है, कौन सा। इट विल ऑटोमेटिकली नेचुरली इंटीग्रेट द रेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद दिस ग्रेट इंडिया, ये दूर नहीं है, हम लगे हुए हैं और आगे हम कोशिश करेंगे और आप सब हम मिलके ये नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशंस पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरफ से हम इंटीग्रेट करना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। और वन इंडिया विल लीड द, आप झंडा लेके आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये था हमारा व्याख्यान माला का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़े कई बिंदुओं पर विचार करेंगे और राम भाव महलगी प्रबोधनी के निर्देशक विनय सहस्रबुद्धि जी से इन मसलों के हल जानने की कोशिश करेंगे।